एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज अनादर इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें बहुत सारे एथिकल इशूज uh, हमें देखने की ज़रूरत है वेन वी डिजाइन एनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम वी नीड टू सी सर्टन थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट टेक रीज़नेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डिजाइन टू प्रोवाइड अप्रॉप्रिएट नॉलेज एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंस सर्टिफिकेशन एंड अदर गोल्स फॉर विच प्रोग्राम क्लेम्स लाइक like, अगर uh, कोई भी ऐसे सर्टिफाइड कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिसमें आप मल्टीपल लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी उसमें इंगेज हैं और आप उस कोर्स के एंड के ऊपर लोगों को कोई uh, अगर इफ़ नॉट से लाइसेंस लेकिन आप कोई सर्टिफिकेशन दे रहे हैं दैट यू आर नाउ एबल एंड नव टू डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन फ़र्दर टू अदर पीपल तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि ये जो सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है वो कितना अप्रोप्रिएट है और आइधर आप उसके रिजल्ट के अंदर जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होगी या इट वुड बी अ बिगिनर ट्रेनिंग और हमें उसको कंप्लीट सर्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए हमें उसको अर्ली अरेंजमेंट्स के तौर पे कहना चाहिए कि दिस इज़ द बिगिनिंग स्टेप ऑफ ट्रेनिंग या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ करना चाहिए ताकि लोग उसको मिस ना कर सकें देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट देयर इज़ करंट एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अर प्रोग्राम कंटेंट अवेलेबल टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज रिगार्डिंग ट्रेनिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स एंड रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेड फॉर सेटिसफैक्ट्री कम्प्लीशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर इंस्टेंस ट्रेनिंग लॉन्च कर दी ट्रेनिंग के बारे में एडवर्टाइज कर दिया उसके उसको पॉपुलर कर दिया लेकिन उसका जो कंटेंट है वो रेडी नहीं है उसका जो कंटेंट है वो आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ और जो इंडिविजअल जिसको आप वो वर्कशॉप या ट्रेनिंग कराने को कह रहे हैं वो उसके लिए वेल well ट्रेन नहीं है तो उसकी ये एक बहुत बड़ी अन चीज़ होगी दिस वुड बी अ हाई एथिकल डायलमा तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि पहले ये डिसाइड किया जाए कि कौन ट्रेनिंग दे रहा है उसकी कैपेसिटी क्या है कितने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होगी उसका कंटेंट कहाँ से आ रहा है क्या वो कंटेंट वेरीफाइड है फिर उस कंटेंट की डिलीवरी से क्या बेनिफिट्स होंगे उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कितने अचीव हो सके आउटकम्स क्या आए सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी केयरफुली इंटरटेन, देन एक्यूरेसी इन टीचिंग साइकोलॉजिस्ट मेक श्योर दैट कोर्स ले आर एक्यूरेट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड बेसिस फॉर अवेल्युएटिंग प्रोग्रेस एंड नेचर ऑफ द कोर्स सो दिस इज़ सम विच वी से इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जैसे साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के कोर्सिस की रिपीटेडली जो है रिविजन करते रहते हैं जो नई रिसर्च आ जाती है उसको इंक्लूड कर देते हैं जो कुछ थेरीज जो हैं जो इन प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती हैं जो चैलेंज की जा रही होती हैं उनके फाइनल कंक्लूजनस जो हैं वो अगले कोर्स आने तक अगर चेंज हो जाते हैं तो फिर उन्हें सलेबस का हिस्सा बनाया जाता है इसी तरह जो Uh, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो ओवर द यर्स लॉन्गे चूडनल किए जा रहे होते हैं जब वो स्टार्ट होते हैं उनके बारे में सिर्फ एक स्पेकुलेशन होती है कि ये प्रॉस्पेक्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं जब वो ख़त्म होते हैं तो फिर उन्हें कोर्स ले बाए का हिस्सा बनाया जाता है फिर इसी तरह जो एक ग्लोबल uh, चेंज आ रही है जिसके अंदर कुछ नए एरियाज़ की बात होती है साइकोलॉजी की वो इंक्लूड किए जाते हैं uh, आज से कोई तकरीबन कपल ऑफ द ययर्स बैक कुछ नए कॉन्सेप्ट थे जिनकी साइकोलॉजी में बात की गई जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की की गई पहले कभी नहीं हुई थी उसे कोर्स लेबाई का हिस्सा बनाया गया उस पर रिसर्चेज हुई पीस साइकोलॉजी की आज हम बात करते हैं आज हम मीडिया साइकोलॉजी की बात करते हैं आज हम पोलिटिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं ये वो डोमेन्स हैं जिसमें शायद साइकोलॉजी की एग्जिस्टेंस को पहले कभी कंसिडर नहीं किया गया था क्योंकि इनकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी सो यू नो दैट नीड टू बी वेरी एक्यूरेट और उसको टाइमली इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है

टू डिस्कलोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन क्लोज और प्रोग्राम रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग सेक्शुअल हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ एंड निगलैक्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स इन जर्नल सनारीप्ट द फ्यू विच वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लाइन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टूडेंट uh, जो है वो साइकोलॉजिस्ट को अपनी टीचिंग की ट्रेनिंग के अंदर अपनी सारी हिस्ट्री को डिसक्लोज करे उसके क्या मसाइल रहे वो कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे ख़त्म हुए और उसकी सारी नीटिग्रिटीज उसको बता रहा दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट इन सर्टन स्ट्रांसिस सच एज द प्रोग्राम और ट्रेन फैसिलिटी हैज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड हिज रिक्वायरमेंट एंड इट्स एडमिशन एंड प्रोग्राम मेटीरियल फॉर इंस्टेंस आप किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग uh, का हिस्सा बनने जा रहे हैं कोई आपकी इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है किसी पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि इफ़ यू हैव हिस्ट्री ऑफ दिस दिस एंड दिस थिंग यू नीड टू मैंशन इट अगर आप किसी साइकोलॉजिकल सर्विसज में वॉल्टियर करने जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम रहे हैं तो यू नीड टू मैंशन दम इसी तरह गवर्नमेंट के डिफरेंट जॉब्स के अंदर वो आपसे साइकोलॉजिकल हेल्थ का सर्टिफिकेट मांगते हैं और पूछते हैं कि कोई अंडर ट्रीटमेंट तो नहीं है किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के तो वहाँ पर यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि इफ़ समन हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर समथिंग तो वो उसको मैंशन करेगा अदरवाइज in general scenarios it is not much recommended the information is necessary to evaluate student whose personal problems could prevent them from performing their training or professionally related activities appropriately or posing a threat to uh, students or others सिर्फ उस सिनेरियो में जहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें आ, uh, हम एक एक्टिविटी डिज़ाइन करें हैं जिसके अंदर जो है वो साइकोमोटर uh, uh, जो स्किल्स हैं वो देखी जा रही हैं और एक इंडिविजुअल जो है वो बताता है कि मेरी कन्वर्जन डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही है या मुझे साइकोमोटर डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेरे पास्ट में रहे हैं तो दिस इज़ वेरी मच पर्टिनेंट टू डिस्क्राइब दैट वेरी स्टेटमेंट इन द बिगनिंग रादर देन के उसको बीच में कोई इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए और उसकी एबिलिटी को उसकी डिसऑर्डर की वजह से टेस्ट ना किया जा सके वहाँ पर तो ये बताना बहुत ज़रूरी होगा लेकिन अगर किसी की आईसाइट वीक है तो वो बता सकते हैं मेरी आईसाइट वीक है अगर किसी को ट्रेमर्स होते हैं किसी सिचुएशन में तो वो उसको बता सकता है लेकिन जो उसकी कम्प्लीट हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ निकलेक्ट सेक्शुअल फंक्शनिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं वो अनटिल एंड अनलेस बीग आस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्सपिसिकली एक्सप्लेन इन कम्प्लीट डिटेल टू द साइकोलॉजिस्ट सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट